हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी स्टिचिंग में। आज मैं आपको ब्लाउज में पीछे के गले पे डिजाइन बनाने का तरीका बताऊंगी। पीछे के गले में पीछे ही मैं हुक लगाऊंगी। ये डिजाइन बहुत ही सुंदर और सिंपल होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये देखिए, इसके लिए मैंने बुकरम पेपर कट कर रखा है, जिसकी लंबाई मैंने 10.5 इंच रखी है। और इसको मैंने ये देखिए डबल फोल्ड कर रखा है, यानी दो पुड़त में इसकी चौड़ाई लगभग 4.5 इंच है। अब यहाँ ऊपर की साइड से एक निशान 1 इंच पे लगाएंगे, ये देखिए, और दूसरा निशान हम 7.5 इंच पे लगाएंगे, और एक निशान 7.5 इंच का आधा यानी 4.25 इंच पे लगाएंगे, ये देखिए। और जो ये बीच वाला निशान है, इसको हम 3 इंच तक सीधा ले जाएंगे, और इस प्रकार से तिरछा करते हुए एक ये निशान नीचे की साइड मिलाएंगे और ये ऊपर वाला ऊपर की साइड मिलाएंगे। और इसके बाद हमें करना क्या है, एक निशान आगे 1 इंच बढ़ाते हुए लगाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे भी 1 इंच पे, और यहाँ पे भी ऊपर की साइड से भी 1 इंच पे, और इसको भी इसी प्रकार से तिरछा मिला लेंगे। और जो ये बाहर वाला निशान है, इसकी हम कटिंग करेंगे, ये देखिए इस प्रकार से। और जो ये अंदर वाला निशान है, इसके अंदर की बुकरम भी हम निकाल देंगे, ये देखिए इस प्रकार से। और इसको बीच से कट कर देंगे, क्योंकि पीछे से हमें बैक हुक का बनाना है, ये देखिए, इसलिए इसको हमें कट करना होगा। अब हम ब्लाउज लेंगे, जो पीछे का भाग है ये लेंगे। इसके दोनों हिस्से मैंने पहले से तैयार कर रखे हैं, जिसकी लंबाई मैंने रखी है, तैयारी मेरे को चाहिए 14 इंच, 1 इंच मैंने ऐड किया है यानी 15 इंच, और इसका गला छोटा होगा इसलिए तीरा भी मैंने कस्टमर के हिसाब से रखा है, यानी 15 इंच था कस्टमर का, मैंने 7.5 इंच रखा है, और आर्म होल 6 इंच, और इसकी जो चेस्ट है वो तैयारी मेरे को रखनी है 36 इंच, जिसका चौथा हिस्सा 9 इंच, और 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखा है। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ ऊपर की साइड से जो तीरे की साइड है, यहाँ से हम गले वाला निशान लगाएंगे, जिसकी चौड़ाई मैं रखूंगी 3.5 इंच, और जो इसकी गहराई है वो रखूंगी मैं 3 इंच, ये देखिए, और इसको गोलाई में शेप देते हुए कट कर लेंगे। और जो ये नीचे की साइड है, इस पे हमें वो बुकरम वाला डिजाइन बनाना है, ये हम बाद में कट करेंगे, पहले इसको कट कर लेती हूँ, ये देखिए। अब हम ब्लाउज के अस्तर का कपड़ा लेंगे और इसको जो ये बुकरम पेपर है, इसको इस प्रकार से इसके ऊपर रखते हुए, ये देखिए, साइड से थोड़ा सा एक पैर के मार्जिन से बंधा हुआ कपड़ा निकाल लेंगे, और पहले से इस प्रकार से फोल्ड करते हुए जो गले की बाहर की साइड है, इस साइड हम सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए, ये इस प्रकार से हम फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। और जो इसके ये सामने वाला गला है, इसको भी इसी प्रकार से तैयार करेंगे, और जो इसमें से मैंने कपड़ा निकाल रखा है, उसी प्रकार एक पैर के मार्जिन से कपड़ा रखते हुए इसमें भी कपड़ा निकाल देंगे, ये देखिए, मैंने दोनों साइड तैयार कर ली हैं। अब जो ये गले वाली साइड है, इसको इस प्रकार से यहाँ पे रखेंगे, बिल्कुल बराबर मिलाते हुए, और बिल्कुल बुकरम के पास से सिलाई लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक। इसी प्रकार मैं दूसरी साइड वाले गले पे सिलाई लगाऊंगी, ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए
इसको कट कर देंगे। और अब मैं छोटे छोटे कट लगाऊंगी ताकि अंदर की साइड फिनिशिंग से फोल्ड कर सकूं। ये देखिए इस प्रकार से, और इसको अंदर की साइड इस प्रकार से रखते हुए ये देखिए फोल्ड कर दूंगी। और यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लूंगी, बाद में मैं इसकी तुरपाई करूंगी। और इसी प्रकार से जो दूसरी साइड वाला हिस्सा है उसको तैयार करूंगी। ये देखिए मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर लिया है। अब हमें करना क्या है, जो ये ऊपर की साइड है यहाँ पे भी हुक लगेंगे, और जो ये नीचे की साइड है यहाँ पे भी हुक लगेंगे। तो इसके लिए हमें जो हम ब्लाउज में आगे की तरफ हुक के लिए पट्टी लगाते हैं, वो पट्टियाँ ये नीचे की साइड और यहाँ ऊपर की साइड दोनों साइड वो पट्टियाँ लगाएंगे। ये देखिए मैंने पट्टियाँ लगा ली हैं हुक के लिए। अब जो ये नीचे की साइड है और ये गले की साइड है, इस साइड में पाइपिंग निकालूंगी। पाइपिंग में इसमें रेड कलर है, इस रेड कलर की निकालूंगी। ये देखिए मैंने नीचे की साइड और गले वाली साइड पाइपिंग निकाल ली है दोनों हिस्सों पे। अब हम कुछ रेड कलर के रेडीमेड बटन लेंगे। ये देखिए ये बटन हम कपड़े के घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने रेडीमेड ले रखे हैं। और यहाँ पे ये देखिए इस प्रकार से बटन को लगाएंगे, और दो बटन मैं यहाँ पे लगाऊंगी। ये देखिए इस प्रकार से, और यहाँ पे मैं चार बटन लगाऊंगी इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से मिलाते हुए सुई धागे की मदद से। इससे क्या है कि ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए मैंने बटन लगा लिए हैं ऊपर की साइड, और जो ये नीचे की साइड है दोनों साइड बटन लगा लिए हैं। ये देखिए ब्लाउज बनके तैयार है, यानी डिजाइन बनके तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सिलाई से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।